तो जैसे 6 का फर्स्ट नंबर है √48 + √18, ये दिया, इसको सिंप्लीफाई करना है। रेशनलाइज करने के लिए तो हम सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई इससे डिवाइड करवा देते बीच में माइनस साइन लगाकर, लेकिन पहले एक चीज़ देखो कि नीचे अंदर का खुल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको खोला जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर जैसे लिखा है तो लिखा ही रहेगा 7√3 − 5√2/√48। तो 48 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और अच्छा 4 × 2 आएगा और 3 आएगा, तो यानी कि 4 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4√3 + 3√2, ये हो जाएगा। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, यहाँ पर लिखा है 7√3 − 5√2 और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 4√3 − 3√2 और अपॉन फिर से वही 4√3 + 3√2 और ब्रैकेट में 4√3 − 3√2। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो पहले 7√3 का 4√3 में, तो 7 × 4 = 28, √3 √3 3, तो 28 × 3 = 84। 7√3 का 3√2 में, तो 7 × 3 = 21 √6। फिर इसका इसमें तो 5 × 4 = 20 और √6। फिर माइनस माइनस का प्लस 5 × 3 = 15 और रूट कहाँ रहेगा, 30 हो जाएगा, √2 √2 2, 15 × 2 = 30 अपॉन a + b a − b, तो 4√3 − 3√2 2। कांस्टेंट रेशनल रेशनल एक साथ प्लस हो जाएंगे, 84 + 30 = 114। माइनस माइनस का प्लस होगा, √6 √6 लाइक इन रेशनल नंबर हैं एक तरह से, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि −41√6 अपॉन 4 × 4 = 16 3 = 48। तो 48 − 3 = 9 2 = 18, तो यह आ जाएगा 114 − 41√6 अपॉन 30। और ऊपर से कोई चीज़ कॉमन नहीं ली जा सकती, तो जब कॉमन नहीं ली जा सकती इस वजह से कुछ कटेगा नहीं, यही इसका आंसर। सिंप्लीफाई में पहला क्वेश्चन मैंने बताने का तो मन नहीं था, लेकिन फिर भी चलो बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 4 + √5 / 4 − √5, फिर यही चीज़ प्लस में ऊपर नीचे हो गया, बस +4 − √5 / 4 + √5। सिंप्लीफाई करने का इसका बेसिक तरीका तो यही कहता है कि जो पहले इरेशनल फॉर्म में डिनोमिनेटर दिया है उसको रेशनलाइज कर लें, रेशनलाइज करने के बाद दोनों को सेपरेटली रेशनलाइज करेंगे और करेंगे एक ही बार में ही, मतलब कि इसका स्टेप इतना बड़ा खुल के हो जाएगा, क्योंकि जब रेशनलाइज करोगे इसको तो पहले तो ये यही लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 + √5 / 4 + √5, फिर उसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेना, फिर प्लस है तो प्लस लिखोगे, फिर इसको लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई 4 − √5 / 4 − √5, फिर उसको ब्रैकेट में बंद कर लोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, जितना आएगा एलसीएम लोगे, फिर सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा। यही हर बार करना है, लेकिन स्पेशल इस केस में इसको किए बिना भी सॉल्व हो रहा है, इसका डायरेक्ट इसका एलसीएम लेने से भी काम बन रहा है। तो एलसीएम के लिए बताया था, अगर एलसीएम ना पता चले तो देखो वही वाला तरीका आज काम आ रहा है और अब यही काम आएगा। हर बार एलसीएम लेने का तरीका तो पता नहीं है, तो जब एलसीएम ना पता रहा करता है तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ, इसका यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ, इनका यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ, यही हो जाता है। तो इसका जब मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या ये 4 +
रूट फाइव का होल ऑफ स्क्वायर ना बन जाएगा, है ना। फिर प्लस है तो प्लस इसका जब यहाँ होगा तो फोर माइनस रूट फाइव का होल ऑफ स्क्वायर ना बन जाएगा, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना। अब प्लस में है मतलब कि अंदर ब्रैकेट में जो सॉल्व होके आएगा उसका वही साइन रहेगा, तो इस वजह से फिर मैं इसमें ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ सॉल्व करते समय। अगर यही माइनस साइन होता तो रिस्क ना लेते हुए मैं उसमें ब्रैकेट लगा देता, और जब ब्रैकेट खोलता तब साइन चेंज हो जाते। या तो फिर अगर इतना दिमाग में है तो अगर यहाँ माइनस साइन लगा होता तो जो अंदर आता उसका साइन चेंज करते करते लिख देते, जैसा चाहो। तो यहाँ बिना साइन चेंज किए होगा 16 प्लस 5 और माइनस 8 रूट 5, ये हो जाएगा अपॉन 4 जा 16 माइनस 5 प्लस का 8 रूट 5 माइनस का 8 रूट 5 16 32 5 10 42, तो 42 अपॉन ये इसका आंसर। इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए सबका देखो बेस अलग अलग है, तो अगर इसका एलसीएम ले भी जा ले लिया जाता है तो तीनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखना होगा, और मल्टीप्लाई करवाओगे 100% रूट बचेगा ही बचेगा, तो जब रूट बचेगा तो फिर से उसको रेशनलाइज करना होगा। तो इससे अच्छा यहीं से इसको रेशनलाइज करके चलते हैं। तो पहले एक बार इसको, तो 2 रूट 6 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 इसका मल्टीप्लाई रूट 2 माइनस रूट 3 से, और फिर से रूट 2 माइनस रूट 3, रूट 6 माइनस रूट 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रूट 6 का इसमें होगा तो क्या बन जाएगा, हाँ 2 रूट 12, 2 रूट 12 माइनस 2 रूट 18 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। मैं लिखे दे रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर मैं एक स्टेप गैप कर सकता था लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। फिर प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट लगा ही रहने दो इनमें, इसमें 6 रूट 12 माइनस 6 रूट 6 अपॉन रूट 6 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर माइनस 8 रूट 18 माइनस 8 रूट 6 अपॉन रूट 6 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको खोल लें, तो ये रूट खोल लो, अंदर बनेगा 2 2 3, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 रूट 3। तो चाहे तो तुम लोग पेपर में डायरेक्ट 4 रूट 3 भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि ये वाली लाइन लिखो, ये वाली लाइन भी इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर माइनस इसका क्या बनेगा, 3 बाहर आ जाएगा 6 रूट 2, है ना, तो ये बन जाएगा 6 रूट 2 अपॉन 2 माइनस 3, ब्रैकेट लगा रहने दो। इसी तरह से इसमें 12 रूट 3 और ये ऐसे ही रहेगा 6 रूट 6 अपॉन 6 माइनस 3, फिर माइनस, फिर यहाँ 24 रूट 2 माइनस 8 रूट 6 अपॉन 6 माइनस 2। अब देखो नीचे माइनस 1 आएगा, तो माइनस साइन से ही मतलब है हमें, 1 से तो कोई डिवाइड करने को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो माइनस साइन से ये प्लस में बन जाएगा, और ये तो ये मैं डायरेक्ट लिखे देता हूँ 6 रूट 2 माइनस 4 रूट 3, यहाँ पर केवल क्या आएगा 3, अब वो 3 वो भी प्लस का और नीचे 3 है, यहाँ से भी और यहाँ से भी 3 कॉमन लिया जा सकता है ना, तो यहाँ से मैं इस बार कॉमन लेके दिखाई दे रहा हूँ,
पूरा मैं 100% बेसिक कर रहा हूँ, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से मैं बीच बीच से स्टेप गायब कर दूंगा, अभी मैं पूरा किए दे रहा हूँ, अब पूरा पूरा नोट भी कर लो, एक एक स्टेप समझ में आ जाए। तो यहाँ पर भी मैं यही चीज़ किए दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने -1 कॉमन ले लिया तो ये बनेगा, और नीचे क्या बचेगा -1, अब -1 मैं काट दूंगा, तो ताकि समझ में आ जाए अगर कभी दोबारा पलट के देखो तो। यहाँ पर दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4√3 - 2√6, अंदर से कभी नहीं कॉमन आएगा और नीचे 3 बचा रहेगा, ऊपर से भी देखो यहाँ पर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 8, तो ब्रैकेट में 3√2 - √6/4। -1 से -1, 3 से 3, 4 से 2 times में ऐसे 4 से, यहाँ पर ये अंदर का 24 नहीं कटेगा क्योंकि ये प्लस माइनस में है, पूरे के मल्टीप्लाई में, इस वजह से कट जाएगा। अब इसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर ये ऐसे ही लिखा रहेगा 6√2 - 4√3 + 4√3 - 2√6, और -2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -6√2 + 2√6 हो जाएगा। अब इसके बाद जो जो लाइक इरेशनल नंबर हो उनको काट दो, प्लस माइनस कर दो, -4√3 + 4√3, -2√6 + 2√6, +6√2 - 6√2, कुछ नहीं बचा, यानी कि डिवाइड थोड़ी हो रहा है जो बनाएगा, प्लस माइनस वन करोगे तो जीरो ही आएगा ना, तो बिल्कुल उसी तरह से है, ये जीरो आएगा इसका आंसर। फिर 11 नंबर कह रहा है कि अगर x की वैल्यू इतनी है तो बताइए x + 1/x रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। इसको एक बार मैं लिख के दिखाई देता हूँ, वीडियो में जरूरत होगी, ऐसे तो मैं ओरली इसको करवा सकता था लेकिन फिर भी। तो x + 1/x यानी x की जगह इसकी वैल्यू पुट करना है, तो x की जगह पुट करेंगे तो हो जाएगा एक बार 3 + 2√2 + 1/3 + 2√2। तो जो डिनोमिनेटर में इरेशनल है तो इसको रेशनलाइज करें, एलसीएम निकालने को इसका यहाँ मल्टीप्लाई तो हो जाता लेकिन वो बड़ा पड़ता, तो उसको वापस से तो डिनोमिनेटर इरेशनल आता ही, रेशनलाइज करते ही करते तो अभी से ही इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे वैसे ही लिखा रहेगा 3 + 2√2, और यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा 3 - 2√2, और अपॉन में क्या आ जाएगा 9 - 8, स्टेप गैप कर दिया मैंने, 3 का स्क्वायर 9 - 2√2 का स्क्वायर 8, है ना, यहां पर क्या आएगा 1, यानी कि मैं इसको चाहे लिखूं चाहे ना लिखूं बात वही, अगले स्टेप में ऊपर का कोई साइन नहीं चेंज होगा। अब उसके बाद 2√2 + 2√2 - का कट जाएगा, 6 क्या है रेशनल, इस वजह से x + 1/x इस केस में रेशनल आएगी। वैल्यू पूछा है x - 1/x³। एक तो इसका तरीका है कि पहले a - b³ का फॉर्मूला खोल दो, जहाँ x है वहाँ ये रख दो, जहाँ जो टर्म है वहाँ वो रख के सॉल्व कर दो, एक तो वो ये वाला बड़ा तरीका हो गया। एक तरीका है कि पहले x की वैल्यू पुट कर लो, फिर उसको अंदर रेशनलाइज कर लो, जितना आए उसका क्यूब कर दो, तो वही करते हैं। तो x की जगह 2 - √3 - 1/2 - √3³, यहाँ आ जाएगा 2 - √3 - इसको ब्रैकेट में ही लगाए रहो, ये क्या बन जाएगा 2 + √3/4 - 3³। नीचे 4 - 3 कैसे बना पता चल गया होगा। अब 2 - √3 - 2 - √3 हाँ 2 का स्क्वायर कर दिया, -√3 का स्क्वायर कर दिया, बस
वो उससे मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा अभी, क्यूब तो मैं लगाया है केवल, अभी उसका तो यूज ही नहीं किया, अभी तो मैं सिर्फ अंदर रिशलाइज है कर रहा हूँ, आए समझ में? अब प्लस टू माइनस टू कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा? माइनस टू रूट थ्री का होल ऑफ क्यूब, माइनस साइन का क्यूब होगा तो माइनस साइन आएगा कि प्लस? माइनस, क्योंकि कभी भी निगेटिव की पावर ऑड होती है तो माइनस में ही आता है। टू का क्यूब मल्टीप्लाई रूट थ्री को तीन बार, तो रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री, यानी कि थ्री रूट थ्री, क्योंकि रूट थ्री रूट थ्री थ्री और रूट थ्री अलग बचा रहेगा तो थ्री रूट थ्री, तो यानी कि यहाँ थ्री रूट थ्री, यानी कि माइनस 24 रूट थ्री इसका आंसर। 13 नंबर में x की वैल्यू दी है 9 माइनस 4 रूट फाइव, पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एक तो तरीका इसका ये है कि पहले x की वैल्यू दी है तो x की जगह पुट करें, लेकिन जैसी x की जगह पुट करेंगे तो x की जगह 9 माइनस 4 रूट फाइव होगा, तो उसमें लग रहेगा स्क्वायर, तो सॉल्व करने के पहले तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो स्क्वायर करेंगे तो बड़ा पड़ेगा, क्योंकि एक बार a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर यहाँ, फिर स्क्वायर करके यहाँ, और फिर एक बार इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तब आएगा। ये तो हो गया पूरा बेसिक मेथड, अगर कुछ नहीं आ रहा केवल एक एक दो बार पढ़े हुए हो तो, या तो इसका एक दूसरा तरीका, पहले भी पढ़े हुए होगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर किसी और फॉर्म में लिखना है तो दो तरीके से लिख सकते हो, क्या क्या बता सकते हो? लेकिन उसमें नहीं आएगा जो बताए हो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये थोड़ी आती है, सोचो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू भी तो आएगा इसमें, तो फिर तो जब तुमको पता है कि इसमें एक प्लस टू एक्स्ट्रा बच रहा है तो यहां माइनस टू लिख दो बस, अब तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पिछले साल यही तो करते थे, x प्लस वन अपॉन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर करते थे तो कुछ रिलेशन ऐसा बनता था, तो मैं यहां पर इसका स्क्वायर नहीं खोलना चाह रहा हूं, इसको एक सिंगल पावर के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, तो मैंने इसको इसके होल ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, तो इसको सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू बन रहा है, तो प्लस टू यहां पर नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए मैं प्लस टू में एक एक्स्ट्रा माइनस टू लगाए हुए हूं, तो प्लस टू माइनस टू कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ना, तो जो यहां बचेगा वही यहां बचेगा, तो तब तो दोनों तरफ इक्वल हो गया, जब दोनों तरफ इक्वल हो गया तो चाहे मैं अब इसमें रख दूं चाहे इसमें रख दूं, इसमें रखने में स्क्वायर खोलना पड़ता, जबकि इसमें सीधा रेशनलाइज हो जाएगा, और रेशनलाइज होने के बाद एक टर्म का स्क्वायर करना आसान रहेगा, या तो एक और फॉर्म में रख सकते हैं इसको, ये अभी प्लस के फॉर्म में, एक बार क्या माइनस के फॉर्म में भी यही नहीं आ जाया करता? माइनस के फॉर्म में भी तो ये आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्या बचेगा? माइनस टू, यहां पर इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो माइनस टू ए भी, तो यहां माइनस टू बचेगा, तो बैलेंस करने के लिए मैं इसमें प्लस टू जोड़ दूं, तो चाहे मैं इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करूं चाहे ये फॉर्मूला यूज करूं, दोनों से आएगा, कौन सा यूज करना ज्यादा सही रहेगा, प्लस वाला कि माइनस वाला? रीजन, माइनस वाले में कंफ्यूजन रहेगी कि साइन चेंज करना है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है, प्लस में सीधा दिखा बिना साइन चेंज किए, अगर बाय चांस साइन चेंज करना भूल भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो प्लस वाले को प्रायोरिटी देते हैं, इसमें रख के सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पर अब देखना, कोशिश में कर रहा हूं और स्पीड से कर ही दे रहा, यहां पर 9 माइनस 4 रूट 5, यहां प्लस 9 प्लस 4 रूट 5 अपॉन 81 माइनस 80, यही बनेगा, क्योंकि 9 जे 81 माइनस 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, तुरंत कैलकुलेशन करना होगा बस, अब इसके बाद तो क्वेश्चन खत्म,
नीचे क्या बनेगा, वन। तो जब वन बनेगा तो यानी कि इससे मैं वन से चाहे जिसको डिवाइड करूं कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, उतना ही आएगा, है ना। अब ये माइनस फोर रूट फाइव प्लस फोर रूट फाइव कट जाएगा, तो नाइन प्लस नाइन, नाइन नाइन एटीन का स्क्वायर 324 माइनस टू 322 इसका आंसर। देखो कितनी जल्दी हो गया, एक बार स्क्वायर के फॉर्म में रख के निकाले देता हूं, कैलकुलेशन मैं किए देता हूं, चेक करना पकड़ पा रहे हो कि नहीं। यहां a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर 99 81 प्लस बी स्क्वायर 80 81 प्लस 80 161 माइनस 2ab बनेगा, तो 9 4 36 2 72 रूट फाइव, है ना। और जब यही वैल्यू मैं अपॉन में रखूंगा तो अपॉन में ये वैल्यू होगी और इसका रेशनलाइज होगा, तो रेशनलाइज होने के बाद ऊपर बनेगा प्लस 161 और प्लस 72 रूट फाइव, है ना। और अपॉन में क्या बनेगा, 161 का स्क्वायर माइनस 72 रूट फाइव का स्क्वायर, तो 161 का स्क्वायर ना निकाले, मौका मिल गया स्क्वायर निकालने के एक बार, तो 161 एक बार लिखे लेता हूं मैं। अब करते हैं ठीक, यहां पर आएगी इसकी वैल्यू, 1 1 जा 1 1 16 जा 16 2 जा 32 कैरी 3 16 16 जा 256 और 3 259, ये 161 का स्क्वायर होगा, चेक कर लो तुम लोग भी, आ रहा माइनस कर लेना, अच्छा अभी जब तक मैं इसको हटाऊं तब तक चेक कर लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब वैसे एक चीज से और प्रूफ हो जाएगा देखना, माइनस 72 रूट फाइव, 72 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 जा 28 कैरी 2 7 7 जा 49 और 251 मल्टीप्लाई 5 क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर था, तो 5 4 जा 20 5 8 जा 42 कैरी 4 5 1 जा 5 9 5 5 जा 25। अब दोनों को माइनस करने पर 1 आ रहा है तो सही होगा, नहीं तो आता ही नहीं, जब 1 आया तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं, तो यानी कि प्लस रूट प्लस 72 रूट 5 माइनस 72 रूट 5 कट जाएगा, ये दोनों प्लस होगा 322 ही तो आएगा, आया समझ में। अब देखो स्क्वायर निकालने का अगर तरीका याद होगा तो सोचो कितना टाइम बचेगा, ना याद होगा तो सोचो कितना क्वेश्चन छूटेगा।